कल्याणपुर में तेंदुए की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है, वहीं गुरुवार को रहीमाबाद के दौलतपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली। तेंदुए का पगमार्क देखे जाने की बात सामने आई जिससे दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग ने दावा किया कि पगमार्क सियार के हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने जांच पड़ताल के बाद इलाके में कॉम्बिंग भी की। उन्नाव से एक तेंदुआ हाल ही में रहीमाबाद की ओर गया था। हालांकि वन विभाग ने दावा किया था कि वह तेंदुआ संडीला के रास्ते हरदोई के जंगलों में निकल गया, लेकिन गुरुवार को रहीमाबाद के दौलतपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने का दावा किया गया। पगमार्क भी नजर आए। खेतों में काम करने के लिए लोग टोलियां बनाकर गए। दौलतपुर गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग को खेत में तेंदुए के पगचिन्ह मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेंजर विकास सक्सेना ने बताया कि पगचिन्ह तेंदुए के नहीं हैं। कल्याणपुर में 4 दिन पहले तेंदुआ दिखा था, जिसके बाद उसके नहीं दिखने से अनुमान लगाया जा रहा है कि वह कुकरेल के रास्ते जंगल में निकल गया होगा। प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि तेंदुआ जंगल की ओर निकल गया होगा, ऐसा अनुमान है, लेकिन एहतियात के तौर पर हफ्ते भर तक सर्च अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।